यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बीच ज्ञान वापी को लेकर बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दुर्भाग्य से आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान वापी साक्षात विश्वनाथ ही हैं। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, ज्ञान वापी साक्षात विश्वनाथ हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे शब्दों में इसे कुछ लोग मस्जिद कहते हैं। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञान वापी को लेकर बड़ा बयान दिया। दुर्भाग्य से वो ज्ञान वापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान वापी साक्षात विश्वनाथ ही है, जिस ज्ञान वापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। अभिषेक मिश्रा का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इस बयान को किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के सीएम ने। देखिए बिल्कुल आशुतोष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस बयान को गोरखपुर के एक हिंदी दिवस कार्यक्रम में दिया गया था, और सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को कहा है कि ज्ञान वापी मंदिर है, ज्ञान वापी भगवान विश्वनाथ का ही मंदिर है। और इस बात से सीधे तौर पर इसे समझा जाए तो ये साफ नजर आता है कि जिस तरीके से भले ये मामला चल रहा हो कोर्ट में, लेकिन एक तरीके से ये साफ आश्रय है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कितने समय से इसकी मान्यता है, और आने वाले समय में ज्ञान परिसर किस शक्ल में दिखाई दे सकता है, ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर दिखाई देता है। मुख्यमंत्री ने समय समय पर इस बात को कहा है, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने इस बात को बड़े पुख्ता तौर से कहा है, चाहे मंदिर के प्रमाण हो, चाहे नंदी का मुख हो जो भगवान शिव के लिंग की तरफ दिखाई देता है, चाहे वहां की दीवारों में जो कलाकृतियां हैं, और जो साक्ष्य लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से भी दिए जाते रहे हैं कोर्ट के दौरान, कार्रवाई के दौरान। तो कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर के बड़ी मुखरता से मुख्यमंत्री ने इस बात को इंगित किया है, इसे मस्जिद कहना ठीक नहीं होगा इस बात को कहा है, और कहीं ना कहीं इसको सीधे विश्वनाथ भगवान से जोड़ते हुए कहा है कि ये ज्ञान वापी मंदिर है और इसी से जुड़ा हुआ ये कहीं ना कहीं बयान है। हालांकि इसको लेकर के राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आएंगी, लेकिन मुख्यमंत्री का रुख सीधे से हमेशा से साफ रहा है, और एक बार फिर से ज्ञान वापी के इस मामले में कहीं ना कहीं इस बयान के बाद उन्होंने अपने रुख को साफ किया है और उसकी प्रासंगिकता को सीधे सीधे भगवान विश्वनाथ से। अभिषेक जुड़े रहिएगा, दोबारा रुख करते हैं। इस बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ये बयान दिया ज्ञानवापी को लेकर, आपके टेक सर? मैं समझता हूं ये प्रकरण विचाराधीन है न्यायालय में विभिन्न स्तरों पर, तो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को या जिसका संविधान में विश्वास हो, इसके मेरिट पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी को भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि ये मामला विवादित भी है, अदालत के विचाराधीन भी है और संवेदनशील भी है, तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को किसी भी टिप्पणी से मेरिट पे बचना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा है सर कि दुर्भाग्य से आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही हैं। मैं फिर एक बात कह दूं कि मैं उसके नेचर पे, कैरेक्टर पे या क्या स्वरूप है, क्या नहीं है, क्या फैसला अदालत का आएगा, क्योंकि प्रकरण अदालत में विचाराधीन है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा जो भी न्यायालय का फैसला हो उसे सभी पक्षों को मानना चाहिए। तो इस वक्त ये टिप्पणी, ये बयानबाजी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या सियासी कनेक्शन देख पा रहे हैं सियासत के तौर पर, या इस वक्त इसको बताना जबकि न्यायालय में अगर चल रहा है, तो आपके मुताबिक और आपकी पार्टी के मुताबिक क्या लगता है इसके मायने? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, भाजपा एक हताशा निराशा के दौर से गुजर रही है, उसे लगता है कि जो उसका काम है, मेरिट है, उस पर उसे वोट नहीं मिल रहा। तो अब आज इलाहाबाद में कल गिरिराज सिंह जी आए थे, कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान और गोरे कभी नहीं मुगल, बल्कि उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, हो सकते हैं, अगर हिंदू एक रहे,
अब एक आदमी जो संविधान की सौगंध लेके कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है, वो जाति और धर्म के आधार पर इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, तो इनके हाथ से सारी बाजियां निकल चुकी हैं। अब ये पूरी तरह समाज को विभाजित धर्म जात के नाम पे करना चाहते हैं, संप्रदाय के नाम पे करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के इस प्रयास से भारतीय जनता को सचेत रहने की जरूरत है और मैं इसे जानबूझकर उकसावे की कार्रवाई मानता हूँ। ठीक है प्रमोद जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष और पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के सांसद, अभी आप उनको सुन रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बोला क्या, क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं आपको, एक बार फिर से सुनिए। दुर्भाग्य से वो ज्ञान बापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान बापी साक्षात विश्वनाथ ही है, जिस ज्ञान बापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं। मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। दुर्भाग्य से वो ज्ञान बापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान बापी साक्षात विश्वनाथ ही है, जिस ज्ञान बापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं। मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं।